पर कांग्रेस ने पीएम से पूछे सात सवाल। जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री देश को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे। हरियाणा में बीजेपी का जीत के लिए गेम प्लान, पूरे राज्य में बनेगी पन्ना समितियां, गुजरात में इसी फॉर्मूले पर मिली रिकॉर्ड जीत। ऑनर किलिंग पर सीजीआई का बयान, कहा लव अफेयर और इंटरकास्ट मैरिज की वजह से होती हैं हत्याएं। करीबी मुकाबले में जीता ऑस्ट्रेलिया, इंडिया विमेंस को चौथे टी20 में हराया, ऋचा घोष ने 19 बॉल में 40 रन बनाए। शाहरुख ने बताया पठान क्यों देखें, यूजर्स का सवाल, यह मूवी देखने क्यों जाना चाहिए, एसआरके ने लिखा मजा आएगा इसलिए। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज प्रतापगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कैदियों से मुलाकात करके उनके साथ सीधा संवाद किया और परिवार वालों से भी उन्हें कनेक्ट कराया। इसके साथ जेल में निरुद्ध कैदियों को अपराध की दुनिया से बाहर निकलने के लिए संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो पेशेवर अपराधी हैं उनके साथ कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए, जब से जेल मंत्री बने, जेलों में जाकर के देखा तो युवाओं की संख्या अधिक है। जब समझ में आया कि युवा देश का प्रदेश का भविष्य होता है और देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो होता ही है, और जिस घर का भविष्य जेल में हो वो परिवार अंधकारमय हो जाता है। ये चीज़ें जब जानने के बाद हमने मन में आया कि हम उन युवाओं के साथ सीधा संवाद करें, तो ये मेरी 38वीं जेल है। गाजियाबाद मुरादनगर थाना क्षेत्र के पाल मोहल्ला में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। पाल मोहल्ला निवासी 11 वर्षीय मासूम बच्ची अचानक कहीं गुम हो गई। देर रात तक जब बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो बच्चे के परिवार वालों ने थाना मुरादनगर पुलिस को सूचना दी। इस क्रम में थाना मुरादनगर पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी। वहीं बच्ची ने आसपास में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मासूम के साथ पुलिस ने तत्काल उस दरिंदे युवक की शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार किया। कि एक बच्चा लगभग दोपहर से मिसिंग है, तो उसके संबंध में तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए टीमें गठित की और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बच्चे को ट्रेस करना शुरू किया। तो बच्चा एक व्यक्ति के साथ जाता हुआ, युवक के साथ जाता हुआ उसमें दिखाई दिया। तो जब उसको और ट्रेस किया गया तो उस युवक को हम लोगों ने उसी फुटेज के आधार पर ट्रेस करते हुए हिरासत में लिया। तो उस युवक से जब गहराई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करके उस बच्चे को पहचान उजागर होने के डर से बच्चे का गला दबाकर उसको हत्या कर दी, एवं हत्या करने के उपरांत गंग नहर में उसको वहीं पर उसको डाल दिया ले जाके जंगल के रास्ते से। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के अंतर्गत विदिरिका गांव में एक प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती का प्रेम प्रसंग कई महीनों से चल रहा था। जब इस बात की जानकारी युवती के परिजनों को हुई तो उन्होंने लड़के के खिलाफ नजदीकी थाने में तहरीर दी। जब युवक एवं युवती के परिवार वालों को बुलाकर एक दूसरे से अलग रहने का फैसला हुआ, दोनों ही परिवार एक ही जगह पर रहने की वजह से युवती का परिवार लड़के को चौक में खड़ा होने से मना करता था, जिसके बाद युवक ने टोका टोकी से आहत होकर युवती को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। इस हत्याकांड में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायल लड़की का जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अच्छा, क्या नाम है? सोहिता। अच्छा, तो क्या हुआ है आज? लड़के ने मारी है भैंस, तो उन्हें गई पी। किसने मारी? लड़के ने मारी। कौन, क्या नाम है उसका? अजीत नाम है उसका। क्यों मारी? हिम्मत वाल की वो प्यार करता है, ये करती नहीं। अच्छा, तो इसलिए कह रहा कि मैं तो मरूंगा तो मरूंगा तो और मार सकूँ। क्या नाम? भोपाल से। अच्छा, कैसे इनकी मौत हुई है, क्या हुआ था? हुआ था ये कि उस लड़की का भी मकान बराबर में था और हमारा भी मकान बराबर में था, तो हमारे और इसके बीच में एक चौक है, तो उस चौक पे जाके खड़ा हो गया।
लड़का लड़का और हम खेत की तरफ से आ रहे थे तो इसने ताऊ इसके लड़की के ताऊ ने इसमें गोली मारी लड़की के ताऊ ने अच्छा कहाँ गोली मारी है जी वहीं चौराहे पर ही मारी है मौत हो गई हाँ जी और लड़की के औरैया में मंडी में पेमेंट देने जा रहे गल्ला व्यापारी को अज्ञात वाहन से आए नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर 1.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां व्यापारी की हालत बिगड़ता देख सैफई रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही घटनास्थल पर मुआयना करने खुद एसपी भारी फोर्स के साथ पहुंची, जहां लोगों से घटना को लेकर पूछताछ भी की। एसपी ने घटना के खुलासे के लिए 6 टीमें भी गठित की है। ये गल्ले का व्यापार करते हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि ये किसी को पैसे देने जा रहे थे और शौच करने के लिए ये कहीं बैठे हैं कंचौसी नहर के साइड में, और जब चले हैं या उसके दौरान इनके साथ किसी ने लूट की है। इन्होंने बताया कि इनके पास 1.5 लाख रुपए थे। यद्यपि जो वादी है वो पूरी घटना बताने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा कुछ मादक पदार्थ का सेवन किया गया है। इनको तत्काल मौका मुआयना करके हाल में कहाँ से चोरी किया और यह पेमेंट देने जा रहे थे किसका गल्ला मंडी में जी कुछ अज्ञात लोग आए उन्होंने गोली मारी किस जगह का मामला है ये अपना पुराने दिव्यापुर के आगे का तो क्या आप उनको पहचान सके नहीं सर कितने लोग थे हम ये भी नहीं बता सकते किस गाड़ी से आए थे हम बता ही नहीं रहे आगे से गोली मारी या पीछे से पीछे से आगामी निकाय चुनावों से पहले खुर्जा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मार कर कार्रवाई की है। पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में अवैध तमंचे, मय कारतूस और 1,86,630 रुपए नगद सहित एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम मुंडा खेड़ा निवासी प्रेम सिंह के घर में चल रही अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। अवैध तमंचे बनाने वाले 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 4 आरोपी बताए जा रहे हैं जो फरार चल रहे हैं। ये थाना खुर्जा नगर और स्वॉट टीम के द्वारा एक छापेमारी की गई, जिसमें कि इनको एक शस्त्र फैक्ट्री की इनके द्वारा रिकवरी की गई है। ये शस्त्र फैक्ट्री का संचालन एक व्यक्ति कर रहा था। दबिश के दौरान वहाँ पे जब टीमें पहुँची तो वो व्यक्ति वहाँ से भागने पे भाग गया और उस पे मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसका एक साथी पकड़ा गया है जिसका कि नाम प्रीतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस क्रम में फिरोजाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी नाराजगी देखी गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर की है, जो समस्त भारतवर्ष की जनता और जनार्दन जो भी देश में रहते हैं उन सभी में नहीं अपितु पूरे विश्व में, इसके लिए एक बड़ा रोष व्यक्त है कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और इसके लिए यहाँ समस्त फिरोजाबाद के जो कार्यकर्ता बंधु हैं उन सब रोष की वजह से यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी उसका पुतला दहन करेंगे और हम सब यह विश्व पटल पर ये मांग रखेंगे कि उसने जो आपत्तिजनक शब्द किए हैं उनको वापस लेकर वो माफी मांगे। ऐसे आपत्ति शब्दों के साथ हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे। किस तरीके का आक्रोश है, किस तरीके से आज ये पुतला दहन किया गया है? पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कहें या बिलायती भुट्टो कहें उसको, उसने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं उनके बारे में उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से की है, जबकि पाकिस्तान
में घुस करके अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की हत्या की थी, ओसामा बिन लादेन को मारा था। पाकिस्तान आतंकवादी देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो यशस्वी हैं, हमारे देश के विश्व के सबसे बड़े नेता, उनके बारे में उसने जो टिप्पणी की है उसके विरोध में आज उसका बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारी लगाएगी। गोंडा में जमीन घोटाले की एसआईटी जांच मामले में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों की कई दिनों से तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के लिए पिछले 15 दिनों से पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। बता दें इस जमीन घोटाले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 1 आरोपी को जेल में ही मौत हो चुकी है और मुख्य आरोपी ब्रजेश अवस्थी पहले से ही जेल में है। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपाई भड़क गए। प्रदेश के सभी जिलों की तरह कन्नौज में भी भाजपा विधायक, जिला अध्यक्ष समेत नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंका। साथ ही भाजपाइयों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विरोध प्रदर्शन में बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, तिरबा विधायक कैलाश राजपूत, छिबरा मऊ विधायक अर्चना पांडे मौजूद रहे। हमारे देश के माननीय विदेश मंत्री जी वहाँ गए पाकिस्तान में, वहाँ पर वहाँ के विदेश मंत्री ने जो भाषा बोली है इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में, और आप सब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आज विश्व के सबसे अद्वितीय नेता के रूप में बनकर उभरे हैं। उनके बारे में जो घिनौनी मानसिकता प्रदर्शित की है, उनके बारे में जो शब्द बोले हैं, मुझे लगता है हम जैसे लोग तो उन शब्दों को दोहरा भी नहीं सकते हैं। उसके बारे में पूरे भारतवर्ष में एक आक्रोश है और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की तरफ से यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। चंदौली में चकिया राजकीय धान क्रय उपकेंद्र मंडी का डीएम ईशा दोहन ने औचक निरीक्षण किया। वहीं डीएम ने केंद्र पर मौजूद किसानों से बातचीत कर धान खरीद की जानकारी ली और बोरे की उपलब्धता, पेयजल व्यवस्था, कांटा, नमी मापक यंत्र सहित समस्त मूलभूत सुविधाएं निरंतर उपलब्ध रखने के लिए केंद्र प्रभारी को निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। केंद्र संचालित है जिनमें सारी व्यवस्थाएं, कांटा, बोरा, आपके नमी मापक यंत्र, पावर डस्टर इत्यादि पाया गया और सभी जो है उनका सही से इस्तेमाल हो रहा था। कुछ किसान भी यहाँ पे थे जिनकी खरीद चल रही है, उनसे भी बातचीत किया गया, वो लोग भी संतुष्ट मिले, तो खरीद यहाँ पे संतोषजनक पाई गई है और आगे भी जिनके नंबर लगे हैं किसानों से आकर के अपना धान यहाँ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर आज ताज नगरी आगरा में भारतीय जनता पार्टी ने ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी के नेतृत्व में सेंट जॉन्स चौराहे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया और पैम्पलेट लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद नारे लगाए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के एतमादपुर विधायक धर्मपाल सिंह, युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित एवं भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक लीडर ने जो भी हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री के बारे में बोला, इसके विरोध में ये आयोजन है, उसके बयान की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। 35 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री, जिनके बारे में एक पाकिस्तान का विदेश मंत्री भुट्टो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसे खुद शर्म नहीं है। वो जिनके बारे में टिप्पणी कर रहा है वो देश के, हमारे इस पूरे देश के सभी नौजवानों के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। आज उनके बारे में जब आपत्ति उन्होंने टिप्पणी करी, उस टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर ने आज भानु महाजन जी के नेतृत्व में यहाँ हमने पुतला फूंका है और वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। और ये वो पाकिस्तान है जिसके पास खुद खाने को नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता जुशान अहमद हमसे जुड़ेंगे। जुशान, पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा जो प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी की गई,
उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आगरा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है। देखिए मयूरी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में बिलावल भुट्टो का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हर बीजेपी के जो पदाधिकारी और नेता है पूरे देश में उनका पुतला दहन किया गया और काफी नाराजगी जताई है। ताजनगरी आगरा में भी बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। काफी नाराजगी थी, उसके फोटो को जलाया और पुतला दहन किया, और आपको बता दें कि काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। जी जी धन्यवाद जुशान तमाम जानकारियों के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां पीएम मोदी पर पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणी से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं भाजपाइयों ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन भी जताया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। क्या जरूरत पड़ी? यह आदमी हमारे देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में आपत्तिजनक इसने टिप्पणी की, और निश्चित रूप से इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में अगर जो कोई भी अपमानित शब्द अगर जो किसी भी देश का, और यह खास करके बिलावल भुट्टो ने अगर जो बोला है, तो इसका भारत हर स्तर पर उसको मुंहतोड़ जवाब देगा, और भारत की एक एक देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है, और पाकिस्तान को और खासकर बिलावल भुट्टो को इसका माकूल जवाब भारत देगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।